हर हर महादेव। बहुत दिन हो गए मुझे कोई वीडियो नहीं मैं डाल रही थी, सोचा आज डालना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि रागिनी जी अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा, इस पार्टी का क्या होगा, क्या ये जीत पाएंगे, क्या ये फिर से बाहर आके अपनी पार्टी को जिता पाएंगे कि या फिर किसी दबाव में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनके सितारे ये कहते हैं कि दबाव तो इनके ऊपर पूरा डाला जाएगा, हर एंगल से हर तरह से इनको फोर्स किया जाएगा, दबाया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल दबेंगे नहीं क्योंकि इसकी कुंडली में सूरज मंगल इकट्ठे हैं। जिसकी कुंडली में सूरज मंगल इकट्ठे होते हैं वो आदमी दबते नहीं है, मंगल इनका नीच का है, इनको धोखा मिल सकता है, किसी से धोखा मिलना, षड्यंत्र धोखा, तो इनको अवेयर रहना चाहिए, किसी की बातों में ना आकर किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं बनना और अपने इरादों पे कायम रहें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो इन्हें सफलता मिलेगी। ये जनता के हित में काम करते थे, करते आए हैं और करते रहेंगे क्योंकि इनके सितारे ये बताते हैं बुध गुरु शुक्र जो जन्म से लेकर पैदा होता है वो इंसान सच्चा होता है। और दूसरी बात उसमें ये होती है, अगर वो सच्चाई का दामन छोड़ दे, लोगों का कल्याण करना छोड़ दे, फिर उनका बुरा होता है। इनको अपनी बिल्कुल अच्छाई नहीं छोड़नी, अपनी पार्टी के साथ ही अच्छा करना है, इनके साथ जितने भी लोग हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं सबका भला सोचना और सबको साथ लेके चलना है। ये जल्दी ही उस जगह से बाहर आएंगे और अपना काम पार्टी का संभाल लेंगे और अपनी पार्टी को जिताएंगे भी। ये तो ये 101% है कि इनका बुरा कोई नहीं कर सकता। कुछ ग्रहों की ठीक है, योग ऐसे थे कि इनके साथ बड़े लंबे समय से चला आ रहा था कोई षड्यंत्र या कोई कुछ ना कुछ इनके ऊपर फोकस किया जा रहा था, लेकिन गोचर के ग्रहों के आधार पे ये इंसान हर बुरी बला से बाहर निकल आता है, हर कष्ट से बाहर निकल आता है। और एक चीज मैं इनको ये कहूंगी कि ये बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, अपने घर में चंडी का पाठ रखवाएं, या अपनी बेटी से, या अपनी बहन से, या फिर अपनी वाइफ से षट चंडी का पाठ जरूर करवाएं, इनके हित में होगा, इनकी जीत सफलता पक्की प्राप्त होगी। और इनको अपना मनोबल बनाए रखना होगा, इनको बिल्कुल भी डरना नहीं है, किसी भी चीज से नहीं डरना, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब कुंडली में सूर्य मंगल ग्रह हो और सिंह इनके राशि में बृहस्पति बुध शुक्र जैसे ग्रह हो तो वो आदमी राजसिंहासन पे बैठता है और वो चीज जो है उनको मिलके रहती है, चाहे कितने भी दुश्मन इनके क्यों ना हो, इनकी जीत पक्की होती है। हर हर महादेव।